पुलवामा में सोमवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल भी शामिल थे। मंगलवार को जब मेजर विभूति का पार्थिव शरीर उनके घर देहरादून पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनकी पत्नी निकिता समेत परिजनों ने नम आंखों से मेजर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद की पत्नी मेजर के ताबूत के पास खड़ी रही और उनका चेहरा हाथों से चूमकर उन्हें आई लव यू कहा। पत्नी मेजर के पार्थिव शरीर के पास खड़ी थी और उनके चेहरे के भाव किसी को भी गमगीन करने के लिए काफी थे। निकिता अपने आंसुओं के सैलाब को अपनी आंखों में दफन किए खड़ी रही, क्योंकि उनके पास ही विभूति की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में निकिता उन्हें भी संभाल रही थी। जब मेजर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनके पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर निकिता ने उनके लिए एक मैसेज दिया, जिसमें मैं निकिता ने कहा कि आई लव यू विभू, हम सबको आपसे प्यार है, लेकिन आपने जिस तरह हर किसी को प्यार किया वो अलग है, क्योंकि आपने अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। आप बेहद बहादुर इंसान थे और आपको अपने पति के रूप में पाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं हमेशा आपको प्यार करती रहूंगी। हम सब इस इंसान को सलाम करते हैं। जय हिंद। मेजर ढौंडियाल और निकिता की शादी को अभी महज 10 महीने हुए थे। अभी तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ ही रहे थे। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को समझ पाते, उससे पहले ही कायर आतंकियों से लड़ते हुए मेजर विभूति शहीद हो गए। हम विभूति की पत्नी के दिल के दर्द को समझ सकते। उन्होंने भी अपने आने वाले कल के लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे, न जाने कितने लम्हों के बारे में सोचा होगा जो वो अपने पति विभूति के साथ गुजरना चाहती थी, लेकिन उस मनहूस तारीख ने एक झटके में सब खत्म कर दिए। उनकी शादी की कुछ तस्वीरें जिनमें उनकी खुशी को हम साफ देख सकते हैं।